नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम बताने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो अंतिम सूची जारी कर दी गई है वो कैसे चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि अंतिम सूची कैसे चेक करना है, उसमें अपना नाम कैसे चेक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा न्यू का एक ऑप्शन आ चुका है जो कि अंतिम सूची है। ठीक है, यहाँ पर न्यू आप देख सकते हैं कि ये न्यू अलग ही दिख रहा है कि इसमें अंतिम सूची देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सीएम लाडली बहना योजना सर्च करना है। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल रही होगी जिसे अंडरलाइन किया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस एक शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। जरूरी नहीं है कि जो लाडली बहना के अंतर्गत आपने मोबाइल नंबर दिया था वही डालना है। यहाँ पर आप कोई सा मोबाइल नंबर डालना है जिस पर ओटीपी आ सकेगा। तो चलिए हम फटाफट मोबाइल नंबर डालते हैं, कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ओटीपी पर प्राप्त करें आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया, आपका मोबाइल नंबर चेक करना, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी दर्ज करना है। ओटीपी सत्यापित करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप दो तरीके से अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं, या तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र की या अपने गाँव की पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको चूज करने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्षेत्रीय वाले निकालते हैं और व्यक्ति विशेष बार भी निकाल सकते हैं। दोनों में एक ही ऑप्शन आएंगे, बस आपको कुछ व्यक्ति विशेष के अगर आपको एक ही व्यक्ति के निकालना है तो उसे निकाल सकते हैं। तो हम क्षेत्रीय वाले निकालेंगे, मतलब यहाँ पर हम जिले का चयन करेंगे तो हम अपना जिला सिलेक्ट कर देते हैं। क्षेत्रीय वार आपको अगर लिस्ट देखनी है तो आपको जिले का चयन करना पड़ेगा, आपकी स्थानीय निकाय का चयन करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत जोन का सिलेक्ट करना पड़ेगा और ग्राम वार्ड का। अगर आप व्यक्ति विशेष वार की भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अगर आपको व्यक्ति विशेष वार में क्या करेगा, एक समग्र आईडी लगेगी और एक आवेदिका का आवेदन नंबर, अगर दोनों में से कोई भी तो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्षेत्रीय वाली चेक कर लेते हैं। अंतिम सूची देखे पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ देर आपके सामने लोडिंग लेगा। ये वेबसाइट बहुत ही धीरे चल रही है क्योंकि आज पूरी लिस्ट अपलोड हुई है पात्र महिलाओं की, इसलिए वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी अंतिम सूची आ चुकी है। यहाँ पर आप जिन जिन महिलाओं के नाम है केवल उन्हीं के खाते में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पैसे आने वाले हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अपनी खुद की या पर्सनल किसी व्यक्ति की कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की देखने के लिए आपको यहाँ पर वापिस से जाना होगा, व्यक्ति विशेष पर क्लिक करना होगा। व्यक्ति विशेष पर जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने कुछ देर वेट करना है, लोडिंग वेबसाइट लेगी, सॉरी वेबसाइट लोडिंग लेगी। उसके बाद आपको सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस शो होने लेगा। यहाँ पर आपको आवेदिका की समग्र आईडी इंटर कर देना है, या अगर नहीं है तो आवेदन क्रमांक इंटर कर देना और अंतिम सूची देखे पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपके सामने अंतिम सूची प्रस्तुत हो जाएगा। अगर नाम होगा तो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। इससे अच्छा है अगर आपके पास दोनों चीज नहीं है तो यहाँ पर आप क्षेत्रवार में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सभी को आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।